नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने कई बार बहुत से लोगों के मन में सवाल उठाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम और सीता जी की कथा भारतीय संस्कृति और साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रावण द्वारा सीता जी का हरण और श्री राम द्वारा उनकी मुक्ति एक ऐसी कड़ी है जिसने इस लीला को आगे बढ़ाया। लेकिन श्री राम तो स्वयं ईश्वर थे, तो उन्होंने रावण के द्वारा माता सीता का हरण क्यों होने दिया? ये सवाल हमने बहुत बार ऑनलाइन लोगों को पूछते देखा है और कमेंट्स में भी पढ़ा है, और इस पर हमें बहुत हंसी भी आई है कि लोग प्रभु की लीला को समझ ही नहीं पाए। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहे, और विषय की गंभीरता को समझते हुए मैंने इसके तीन रीजन या यूं कहो कि कारण इसके मेंशन किए हैं। तो एंड तक इसमें बने रहना अगर पूरी तरह से इसको समझना चाहते हो तो। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें जय सिया राम, जय जय सिया राम। नंबर एक, पहले एक बिल्कुल ही सिंपल सा रीजन बताता हूँ कि श्री राम ने माता सीता का हरण क्यों नहीं रोका। इसका प्रमुख उत्तर ये है कि वे वहाँ पर उपस्थित ही नहीं थे। जब रावण ने सीता जी का हरण किया तब श्री राम और लक्ष्मण उनसे दूर थे। यह सब मायावी मृग के पीछे जाने के कारण हुआ जिसे रावण ने वहाँ पर भेजा था। यहाँ रावण ने मौका पाकर माता सीता का हरण किया। अगर वो प्रभु के सामने आता तो वहीं उसका अंत हो जाता। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई कि श्री राम वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, वो तो ईश्वर हैं, वो तो हर जगह हैं। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं आपको अगले पॉइंट में। नंबर दो, दूसरा रीजन ये है कि ईश्वर मानव रूप में जब अवतार लेते हैं तो वे भी मानव जीवन की सीमाओं से बंधे होते हैं। सृष्टि के नियम के विरुद्ध जाकर कुछ करने से अवतार का ध्येय पूर्ण नहीं होता। यदि उद्देश्य चमत्कार दिखाना होता तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता ही क्या होती। ऐसे ही टन से प्रकट होते, सन से काम हो जाते, या धम से उनका आदेश किसी पत्थर या बोर्ड पर सामने आ गिरता। मानव अवतार लेने का उद्देश्य ये है कि मनुष्य जीवन में मानव जीवन के सुख दुख भोगते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया जाए। जो सीमाएं अन्य के लिए हों वे उनके लिए भी हों, तभी तो उनके द्वारा करे गए कार्य पूजने योग्य होंगे कि उन्होंने हमारे जैसे नश्वर शरीर के होते हुए और सारे सुख दुख झेलते हुए भी क्या आदर्श स्थापित किया। नहीं तो लोग बहाने बनाते कि भाई भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो आम इंसान हैं, हम कैसे करें। तो भगवान ने आम इंसान बनकर दिखा दिया, लो अब बनाओ बहाने। खैर, इस बीच ये भी पढ़ने को मिलता है कि श्री राम को अपने विष्णु अवतार होने का ज्ञान भी नहीं था। राम जी के अवतार के विषय में वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि उन्हें अपने विष्णु अवतार होने के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। वे स्वयं को आम मनुष्य ही मानते थे और उनका आचरण भी वैसा ही था। जब रावण वध के उपरांत उनके रूखे व्यवहार से सीता जी क्रुद्ध हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण को अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया, उस समय उनके अग्नि प्रवेश करते ही अग्निदेव प्रकट हुए और कहने लगे कि प्रभु और माता, ये कैसी लीला है आप लोगों की। अन्य देव भी उपस्थित हुए और श्री राम को कहने लगे कि वे स्वयं विष्णु हैं। उनकी बातें सुनकर श्री राम अटपटा गए क्योंकि इस विषय पर उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। अब यह प्राकरण वाल्मीकि जी की कल्पना है या सत्य, लेकिन इससे समझ यही आता है कि श्री राम अपने विष्णु अवतार होने से अनभिज्ञ थे, मतलब उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं था। और अब बात क्योंकि अग्नि परीक्षा की करी है तो अगले रीजन पर भी आ जाते हैं, जिसके द्वारा ये जानने को मिलता है कि प्रभु ने किस प्रकार लीला रची। नंबर तीन, पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने को वन गए तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्नि देव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थी, और जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब प्रभु ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई। माया सीता के अग्नि में समाते ही असली सीता अग्नि से बाहर आ गई, और इस पूरी अग्नि परीक्षा का बस एक यही कारण था। अग्निदेव ने माता सीता को अपने सुरक्षा चक्र में रखकर कुटिया से गायब कर दिया। वहाँ पर सीता माता के प्रतिबिंब को रख दिया गया।
रावण ने असल में माता सीता का नहीं बल्कि उनके प्रतिबिंब का हरण किया था। और इसका संकेत इस बात से मिलता है कि जब रावण ने बलपूर्वक माता सीता को पकड़कर रथ में बिठाया तो सीता जी के पतिव्रत धर्म के मुताबिक रावण को वहीं पर जलकर भस्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसे इस प्रकार का श्राप मिला हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रावण द्वारा हरी गई सीता असली नहीं थी बल्कि उनका एक प्रतिबिंब थी, यानी कि वे माया सीता थी। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि माता सीता स्वयं भगवती हैं। वे बचपन में शिव धनुष को अपने उल्टे हाथ से उठाकर झाड़ू लगा देती थी, और यही देखकर उनके पिता राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से वे सीता का विवाह करेंगे। अब आप सोचिए, जिस धनुष को उठाने में बड़े से बड़े महारथी फेल हो गए, उस धनुष को बचपन में माता सीता अपने उल्टे हाथ से उठा लेती थी। तो ऐसा करने वाली माता सीता स्वयं भगवती थी, जो कि स्वयं रावण का वध कर सकती थी, किंतु जैसा होना है वैसा ही होता है। वो कहते हैं ना, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। इसके अतिरिक्त एक बात और है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी के सामने रखना चाहता हूँ। आप किसी भी कथा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप क्रिटिकल होकर सोचेंगे तो आपको रावण भी एक महान पुरुष लग सकता है। मैं नहीं कह रहा कि वो था या नहीं, लेकिन इस विषय पर तुलसीदास जी ने कुछ लिखा है जिसे सुनकर शायद आपको ये लगे कि रावण ने जो किया वो जानबूझकर किया जिससे कि उसको मुक्ति मिल सके। आपने कभी ये सोचा है कि रावण तो विद्वान था फिर भी उसने सीता जी का हरण क्यों किया? रावण ने सीता जी के हरण से पूर्व बहुत सोच विचार किया। तुलसीदास जी ने इस विषय पर कुछ चौपाई लिखी है जो कि इस प्रकार है। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहे कोहु नाही, खर दूषण मोही सम बलवंता, तिनही को मार बिनु भगवंता। इसका भाव अर्थ है, रावण मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। नंबर दो, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरी हटी कराऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तराऊं। इसका भाव अर्थ है, देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हट पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर को तर जाऊंगा। और अब अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। नंबर तीन, हो ही भजनो ना तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृण एहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरि हूँ नारी जीत रन दो। इसका भाव अर्थ है, इस तामस शरीर से भजन तो नहीं होगा, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? रावण इतना विद्वान था तभी तो उसने सीता जी का हरण किया, क्योंकि यही सबसे सरल मार्ग था मोक्ष का, जो एक विद्वान ही चुन सकता है। रावण के दोनों हाथ लड्डू लग गया था, जिसने बिना तपस्या के अपने संपूर्ण कुल को तार दिया। ये उसकी विद्वता का ही प्रतीक है। इस पर एक्टर एंड राइटर आशुतोष राणा ने भी अपनी किताब राम राज्य में कुछ लिखा है, जो कि एक वार्तालाप है प्रभु श्री राम और रावण के बीच की। जब रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तब हनुमान जी की तरफ देखते हुए वो श्री राम से बोला, राम मैं महादेव का भक्त ही नहीं उनका दास भी हूँ, मुझे मात्र महादेव ही प्रिय है, किंतु मैं देख रहा हूँ कि मेरे आराध्य महादेव तो तुम्हारे भक्त हैं और तुम उन्हें अति प्रिय हो, मेरे निदान के लिए उन्होंने तुम्हें चुना है। राम महादेव अपने इस हठी दुराग्रही अति प्रिय शिष्य को मृत्यु नहीं मुक्ति देना चाहते हैं। इस पर श्री राम ने कहा, महात्मन ये आप मुझसे मित्रता करके भी प्राप्त कर सकते थे, फिर मेरे प्रति आपके इस बैर का कारण क्या है? यह सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, राम तुमसे मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती और रावण को ज्ञान नहीं ज्ञान से मुक्ति चाहिए। राम मैं केवल महादेव के प्रति ही मित्रता के भाव से भरा हूँ, उनके अतिरिक्त किसी और का मेरे मित्र भाव में प्रवेश निषेध है, फिर वो भले ही महादेव को अति प्रिय ही क्यों ना हो, इसीलिए तुम्हें कभी भी रावण की मित्रता नहीं मिलती।
मन को त्राण से मुक्त करने वाला मित्र होता है और शंकाओं को त्राण से मुक्त करने वाला शत्रु होता है। महादेव जानते हैं कि राम का संपर्क किसी भी भाव से क्यों ना हो, वो व्यक्ति को निशंक कर देता है। तो एक बार पुनः बोलें, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में केवल इतना ही। आपका इस विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। साथ ही श्री राम के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्रभु के भक्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।